दोस्तों, इस बार बहुत टाइम के बाद एग इंक्यूबेटर में लगाने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से हैचरी रोकी हुई थी। हैचरी का काम लॉकडाउन के बाद से बंद किया हुआ था। उसके बाद बटेर भी कहीं से नहीं मिले थे, तो ब्रीडर स्टॉक नहीं था। अब कहीं से बड़ी मुश्किल से बटेर का इंतज़ाम किया और उसके बाद ये एग मेरे पास इकट्ठे हुए हैं। इस बार इनको लगा के इनका रिजल्ट देखता हूँ। हमेशा की तरह मैं पहले अपने छोटे इंक्यूबेटर को स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मेरा लक्की इंक्यूबेटर है, और इस बार मैं एग बिना धोए लगाऊंगा। मेरे पास ये एक बड़ा इंक्यूबेटर जो है मैं तैयार कर रहा हूँ, हालांकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये फ्रिज की बॉडी के अंदर मैं बना रहा हूँ। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर एग लगाया करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं एक छोटे इंक्यूबेटर को स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर देखता हूँ कितने एग आते हैं। एग मुझे ज़्यादा लग रहे हैं और इंक्यूबेटर का साइज़ कम लग रहा है। हालांकि 200-250 एग इसमें आ जाता है, फिर भी देखते हैं अभी लगा कर कितने एग आते हैं। अभी एग गिने नहीं आए, इनको गिनते हुए ही मैं रखूँगा। तो सारे एग रख के फिर मैं वीडियो को शूट करता हूँ। तैंतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, काफ़ी छोटा एग होता है बटेर का। 55 एग हो चुके हैं, अभी सारा इंक्यूबेटर खाली पड़ा है। 245 एग हुए हैं, ये टोटल 245 के बाद इसमें कैपेसिटी 5-7 एग तो और लग जाएंगे, और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है इसकी। तकरीबन 250 एग की कैपेसिटी है। बस इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि अगर हम फुल कैपेसिटी इसकी यूज़ करते हैं तो इसके अंदर पानी का बर्तन रखने की जगह जो है वो बहुत कम बचेगी। तो जो एक्सपीरियंस जिसका है वो तो किसी न किसी तरीके से इसमें पानी रख लेगा। पानी थोड़ा हाइट पे भी रखा जा सकता है अंडों से ऊपर थोड़ा, और अभी है इसमें जगह, पानी रखा जाएगा, लेकिन टर्निंग के लिए पानी निकालना पड़ेगा हर बारी, नहीं तो टर्निंग नहीं कर पाएंगे। पहले पानी निकालना पड़ेगा, फिर टर्निंग करनी पड़ेगी, फिर दोबारा पानी रखना पड़ेगा। ये थोड़ी प्रॉब्लम आएगी पूरी फुल कैपेसिटी यूज़ करने में इसकी, बाकी सब ठीक है। इसमें 245 एग लगाए हैं और इस बार एग मेरे ये 245 एग जो हैं 16-17 दिन में इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे पास स्टॉक कम था पहले, बाद में मैंने स्टॉक और डाला बडेर का, तो इसमें कुछ एग पुराने हो चुके हैं। देखते हैं कि 16, 17 या 20 दिन पुराने एग का क्या रिजल्ट आता है। इसमें कुछ एग जो हैं पुराने हैं, कुछ नए हैं, तो सारे मिक्स हैं। तो इसका रिज़ल्ट अब इस बार देखते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इसका एग लगाने तक का ही मैं इसमें पार्ट दिखाऊंगा, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करूँगा। ये सारा सेटअप हो गया, इसमें ह्यूमिडिटी मीटर भी रख दिया मैंने ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए, और पानी का बर्तन भी रख दिया साइड में। इस बार ह्यूमिडिटी थोड़ी कम रखूँगा इसमें, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस ये रहा है कि कई जो चिक्स थे एग के अंदर मरे हैं मेरे, तो उस टाइम मैं 50 से 55 के करीब ह्यूमिडिटी रखता था, और 5 से 10% इस जो ह्यूमिडिटी मीटर है ये वाला, ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, इसका एरर होता है 5 से 10% का। तो हो सकता है मैं 50-55 रखता था ह्यूमिडिटी, तो इसके अंदर 60 से 70 रह जाती हो। स्टार्टिंग के दिनों में 40-45 के करीब ह्यूमिडिटी रखूँगा इस बार मैं, तो उसके लिए इस मीटर की जो रीडिंग है वो तकरीबन मैं 5% ये फालतू बता रहा है अभी, अगर मान के चलें तो 40-35 के करीब इसके अंदर रीडिंग रखूँगा मैं।
अभी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा दिखा रहा है ये, अभी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा दिखा रहा है ये, क्योंकि अभी ये हीट नहीं हुआ। तो जब ये इसका ढक्कन लगा के इसको बल्ब जलेंगे इसके अंदर, तो ये हीट होने पे ह्यूमिडिटी उड़ जाएगी इसकी। तो उस टाइम फिर मैं 2-3 घंटे बाद, हर 2-3 घंटे बाद जो है इसकी ह्यूमिडिटी नोट करूँगा, और कल सुबह तक इसकी ह्यूमिडिटी पे सख्त नज़र रखूँगा मैं। कल दोपहर बाद जो है ह्यूमिडिटी इसकी सेट हो जाएगी, जहाँ पे रुकनी होगी वहाँ रुक जाएगी। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे पानी का बर्तन छोटा करना है, बड़ा करना है, कितनी ह्यूमिडिटी रखनी है, ह्यूमिडिटी कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो कल दोपहर तक मुझे इसका पता लगेगा, उसके बाद फिर मैं इसकी एडजस्टमेंट पानी की उसी हिसाब से करूँगा कि ह्यूमिडिटी जो है इसके अंदर 40 से ज़्यादा ना जाए इस बार। तो लास्ट के जो 3 दिन है, जब लॉकडाउन होता है, इनका एग हिलाने नहीं होते, उस टाइम ह्यूमिडिटी जो है मैं 60+ कर दूँगा। शुरू में मैं 40 के आसपास ही रखूँगा इसको, यानी कि 5% मीटर का एरर लगा ले तो 35 रखूँगा, 35 रखूँगा मैं इसको ह्यूमिडिटी को। तो अब इसका ढक्कन लगा देता हूँ और इसको चालू कर देता हूँ। ये ढक्कन में बल्ब अलग अलग तरह के लगे हैं। मेरा एक बल्ब जो है ये वाला पिछली बार का बचा हुआ है, एक बल्ब झड़ गया था तो अभी इमरजेंसी मैंने दूसरा बल्ब लगाया है। तो कल मैं इसके दोनों बल्ब एक जैसे कर दूंगा। और ये मेरा वही पुराना इंक्यूबेटर है जो आपने पिछली कई वीडियो में देखा है। ये इसके ऊपर मेरी हैचिंग लिखी हुई है पहले की काफ़ी सारी, ये मैंने इससे बहुत सारी हैचिंग ली हुई है। तो ये मेरा लक्की इंक्यूबेटर है, तो इसी से मैं अब इस बार इसका श्री गणेश करने जा रहा हूँ। तो अपना काम जो है दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ हैचरी का, इसी से। वीडियो बनाते हुए एक हाथ से मैंने मोबाइल कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं ये अपना काम कर रहा हूँ, इसको चालू कर रहा हूँ। तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरी लास्ट की सारी वीडियो देखी हुई हैं, तो उनको पता है कि मैं किस तरह से हैचरी रन करता था पहले, किस तरह से मैं किटें बनाकर सेल करी हैं इसकी इंक्यूबेटर्स की। तो जिन भाइयों को कोई किट वगैरह चाहिए हो, वो भी मेरे पास अवेलेबल हो जाती है, इंक्यूबेटर किट चाहिए हो। और जिन भाइयों को कंप्लीट इंक्यूबेटर चाहिए हो, किसी भी टाइप का इंक्यूबेटर, छोटा बड़ा हर तरह का मैं बनाता हूँ, तो वो भी मिल जाएगा। टेम्परेचर जो है इसका 37.7 रखा हुआ है हमने, और इसका जो डिफरेंस जो है 0.2 का रखा हुआ है हमने, यानी कि 37.7 पर तो इसका जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा, और 37.5 पर इसका बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। बाकी अब इसके बाद जितनी भी हमारी वीडियो बनेगी, वो कोशिश करेंगे कम ही इसको खोलें, और इसके अंदर से यहीं से शीशे में से ही ह्यूमिडिटी वगैरह पे नज़र रखेंगे। और दिन में 3-4 बार ही इसको एग को रोटेशन देने के लिए तो इसको खोलना ही पड़ेगा। बाकी ये वाला जो इंक्यूबेटर है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लगा दिया है, वैसे तो अभी टेम्परेरी रखी हुई है। और इससे मैं अभी अपना, ये मेरा नया प्रोजेक्ट है एक वाइन बनाने का, होममेड वाइन, ये अंगूर की वाइन रखी हुई है बनाने के लिए, घर में यूज़ करने के लिए। तो इसको मैं अभी एज ए इंक्यूबेटर यूज़ कर रहा हूँ वाइन के लिए, क्योंकि वाइन को भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा ठंड में ये बनती नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद इसके अंदर जो है यहाँ पे ट्रे लग जाएंगी, एक ट्रे, और वो उसको थोड़ी फिट कर देंगे बल्ब वगैरह को, तो इसकी फिटिंग वगैरह करके सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे कोई इसका अपडेट होता है, अगर कोई चिक्स वगैरह निकलते हैं, तो वो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा।